देखिए क्या कह रहा है कि इफ कॉस वाई इक्वल टू में एक्स कॉस ए प्लस वाई, वेयर कॉस ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्रूव दैट दिस। चलिए यहां से अगर हम लोग एक्स के वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा कॉस वाई, वाई में कॉस ए प्लस वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई, आसानी से हो जाएगा। देखो डी एक्स बाई डी वाई, इधर यू वाई भी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन वाई माइनस देकर इसका सॉरी इंटू में सॉरी इसका डिफरेंशिएशन इसको इंटू में रखेंगे ना जी, मैं लिखना भूल गया, कॉस ए प्लस वाई, फिर आप माइनस दोगे और फिर कॉस वाई को उसी तरह से लिखिए और इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का वन ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस का साइन कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, यही ना है जी, और वाई में नीचे जो है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। तो ऊपर देखिए ना फॉर्मूले पे सेट हो रहा है साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू में हो जाएगा ऊपर साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और वाई में नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए बचेगा। अब इसे चाहो तो ऐसे पलट सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और वाई में आपका साइन ए। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने सॉरी यही ना हमें प्रूव करना था, यही लाना था ना जी, हमने ला दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं।